अलीगढ़ आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते व स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले भर के समस्त गांव को कचरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला प्रशासन को प्राप्त हुए थे। वही सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन व नगर निगम सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कचरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। उसी क्रम में आज ग्रामीण क्षेत्रों से नगर निगम व A2Z कंपनी द्वारा गांव गांव व घर घर से प्लास्टिक एकत्रित कूड़े की शव यात्रा को A2Z को सौंपा गया है। वहीं इस शव यात्रा को अलीगढ़ जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। जानकारी देते हुए DM इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में व आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया था। उसी क्रम में जिला प्रशासन व नगर निगम जिले के प्रत्येक गांव को कचरा मुक्त व प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहता है। उसी क्रम में आज जिले के 25 गांव के कचरे व प्लास्टिक को एकत्रित कर उसकी शव यात्रा को कलेक्टरेट परिसर से रवाना किया गया है। वहीं इस कचरे को A2Z संस्था को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जिले वासियों से जिले को प्लास्टिक मुक्त व कचरा मुक्त बनाने के मिशन में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। देखिए, जनपद अलीगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जन जागरूकता फैलाने का कार्य शुरू हो गया था 15 अगस्त जो इस वर्ष पड़ा था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उसके क्रम में सभी गांव में कचरा बैंक बनाया गया था जिसमें प्लास्टिक कचरे को अलग से इकट्ठा करने का एक प्रोग्राम। इसके अलावा गाँव के स्कूल में, गाँव के पंचायत घर में और गाँव की जो पंचायत है उसकी एक बैठक करके लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया गया था कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल प्रतिबंधित है, इसलिए इसका इस्तेमाल ना करें। विशेष रूप से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसका न केवल विनिर्माण, परिवहन, भंडारण और यूज हर लेवल पर इस पर प्रतिबंध है, तो इसका इस्तेमाल करना आप बंद करें। ये जन जागरूकता अभियान के उपरांत ये कोशिश की गई कि ये निरंतर लोगों के मन में कफा रहेगा, इसलिए रैलियाँ निकाली गई गाँव में और विशेष वाहन के माध्यम से घर घर से कचरा इकट्ठा किया गया, प्लास्टिक कचरा, और उस प्लास्टिक कचरे को आज 24 गांव का प्लास्टिक कचरा यहां पर A2Z जो हमारी संस्था है जो प्लास्टिक को संसाधित करती है उसको हम लोगों ने हैंडओवर किया है यहां पर। और इस तरीके से कोशिश ये है कि गांव के स्तर पर भी लोग प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें, इसका इस्तेमाल ना करें। न केवल ये गैरकानूनी है बल्कि ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला है। ये तभी संभव है जब हर घर में ये मैसेज, ये संदेश पहुंच जाए और सामाजिक रूप से इसकी अस्वीकार्यता बढ़ जाए। तो इसलिए मैं आप बंधुओं से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ जाता है तो हमें उसकी तरफ एक हिकारत भरी दृष्टि जरूर डालनी चाहिए, उसके प्रति हमें उपेक्षा का भाव से जरूर देखना चाहिए ताकि उसको ये लगने लगे कि सामाजिक रूप से ये अस्वीकार्य चीज़ है और इसको हमें इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। तो उसी की ये कोशिश है और मैं DPRO साहब को, उनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने बहुत मेहनत की और उसके माध्यम से गांव-गांव में हम लोगों ने कचरा इकट्ठा किया है। कचरा इकट्ठा कर लेना एक बात है लेकिन कचरे को सही ठिकाने पे लगाना एक दूसरी बात है। तो उसी नज़रिए से इसको सही हाथों पर आज A2Z संस्था को सौंपा गया है ताकि वो इसको रिसाइकिल कर सके और भविष्य में ऐसा कचरा निर्माण ना हो, प्लास्टिक कचरा। इस दिशा में हमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, अलीगढ़ की जनता का सहयोग चाहिए, शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों की जनता का सहयोग चाहिए। तो मुझे लगता है इस जागरूकता के माध्यम से ये सहयोग हमको आने वाले समय में मिलेगा और इसका उपयोग न केवल कम होगा बल्कि एक समय में समाप्त।